गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू पी टी थ्री सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पी टी थ्री एंड द चैप्टर नंबर ट्वेंटी सिक्स इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पी टी थ्री सो चैप्टर इज़ अबाउट सोशल एटिकेट्स इस चैप्टर में बताया है कि बच्चों में कैसे सोशल एटिकेट्स होने चाहिए ठीक है कैसे उनको स्टार्टिंग से ही सोशल एटिकेट्स सीखने चाहिए हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ़ फ्यू सोशल एटिकेट्स जैसे कि फर्स्ट में है टीच और सोशल स्किल पेरेंट्स जैसे होम इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड सो घर से ही पेरेंट्स को चाहिए कि उनको गुड मैनर्स सिखाएं ओके जिस बच्चे के पास गुड मैनर्स हैं स्टार्टिंग से सॉलिड फाउंडेशन है एटिकेट्स की वो बच्चा एक अच्छा सिटीजन बनता है ओके सो दिस सॉलिड दिस सॉलिड फाउंडेशन ऑफ एटिकेट्स हेल्प द चाइल्ड टू बी अ गुड सिटीजन to be a responsible citizen okay then second is respect time okay the parents should teach the children that they should respect the time hamesha school pe time school time pe jao theek hai kyunki late pahunchne se kya hota hai aapko punishment milti hai okay? और जब बहुत ज़्यादा late हो जाते हो आप late class में जाते हो तो बाकी बच्चे भी disturb होते हैं teachers का पढ़ाना भी disturb हो जाता है Then number थ्री पे है respect your teacher. ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर टीचर आपके टीचर आपको इतना कुछ पढ़ाते हैं इतना कुछ सारा कितना आप टाइम डिवोट करते हैं कितना आपको समझाने में पूरी मेहनत करते हैं जैसे कि हम हम लोग कर रहे हैं और स्कूल में भी करते हैं तो हमेशा टीचर से पोलाइटली बात करें और रिस्पेक्टफुली बहुत ही अच्छे ढंग से बात करें टीचर से ओके दैन फोर्थ इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब वन समी लुक सैठी हो तो आप कैसे दिखते हो तो वो जो चीज़ है वो आपकी पर्सनल हाइजीन से आती है ओके जैसे आपको क्लीन रहना है अच्छे से ड्रेसअप होना है ओके डेली आपको बात करना है डेली नहाना है ब्रश ब्रशिंग करनी है टीथ की ठीक साफ है साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी है पहननी है जब आपकी लुक को देखें दैट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन ओके और वो बहुत अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको होना चाहिए ओके आपकी यूनिफॉर्म अच्छी होनी चाहिए ओके आई वेल आयरनड होनी चाहिए वेल वॉश्ड होनी चाहिए दैन फिफ्थ इज रिस्पेक्ट अदर चिल्ड्रन बाकी बच्चों की भी आपने रिस्पेक्ट करनी है क्लास में अपनी सोसाइटी में जब आप अपने आप अपने घर के आसपास भी खेलते हो बच्चों के साथ उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है कभी किसी बच्चे को बच्चे की बैक बैटिंग बाइटिंग नहीं करनी है जिसको बोलते हैं चुगली ओके सो बैक बाइटिंग नहीं करनी है कभी अपने क्लासमेट्स का आपने मजाक नहीं उड़ाना नेवर मेक फन ऑफ योर क्लासमेट्स ओके बाई डिस्टॉटिंग द नेम्स मतलब कि उनका नेम जैसे बिगाड़ देते हैं ना हम कुछ बच्चों का तो ऐसे नहीं करना है ओके okay? और कुछ किसी कोई अगर फिजिकल अपेयरेंस किसी की अगर आपको और लगती है तो उसको उसका मजाक नहीं उड़ाना है क्योंकि परमात्मा ने भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है ओके okay? एंड uh, कभी भी किसी की भी कोई चीज़ बिना पूछे नहीं लेनी है ओके okay? किसी की भी चीज़ बिना पूछे नहीं उठाते हैं जब इफ़ यू नीड समथिंग देन यू शुड सीक परमिशन from दैट स्टूडेंट स्टूडेंट जब बच्चा जो भी आप घर पे भी जैसे है अगर आप किसी वन एवर यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स ऑलवेज टेक परमिशन फर्स्ट, दीज आर कॉल्ड सोशल एटिकट्स देन प्ले ग्राउंड मैनर्स एट नंबर सिक्स प्ले ग्राउंड में आपको कैसे मैनर्स दिखाने हैं ओके okay. एक बाकी बच्चों के साथ खेलना जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है पॉजिटिव स्कूल एक्सपीरियंस होता है ठीक है और बच्चा ही बहुत ही एटमोस्फेयर अच्छा बनता है स्कूल का जैसे हम आ, एक दूसरे के साथ अच्छे से खेलते हैं ठीक है आप जैसे टर्न आनी है किसी की तो पेशेंसली उसकी वेट करिए यानी कि कुछ बच्चे फटाफट से आते हैं मैम 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 ऐसे नहीं करना है ओके पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ओके इक्विपमेंट को शेयर करना है ये नहीं कि एक के बच्चे के हाथ में इक्विपमेंट है बॉल वगैरह जो भी असेंशल इक्विपमेंट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर गेम के तो उसको अच्छे से शेयर करना है ओके सेफ्टी रूल्स भी फॉलो करने हैं एट नंबर सेवन क्लास रूम बिहेवियर ओके अपने इफ़ यू सी कि आपके आस पास कोई भी बड़ा बच्चा जो है वो अब्यूजिव लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो आप टीचर को बताएँ ओके okay? कभी भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है ओके सो टेल योर टीचर दैट सम स्टूडेंट या दिस स्टूडेंट इज़ यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज और टीचर को बताएँ टॉक टू द टीचर एंड आस्क इफ़ रूल्स विल बी पोस्टेड और अन्ट होम फॉर द पेरेंट्स टू रफ्यू विद द चिल्ड्रन आप पेरेंट्स को टीचर पेरेंट्स को नोट लिखें ताकि वो अपने बच्चों को बता सकें ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर ट्वेंटी सिक्स नाउ वी विल डू चैप्टर नंबर ट्वेंटी सेवन चैप्टर नंबर ट्वेंटी सेवन इज अबाउट सेव अर्थ एज यू नो स्टूडेंट्स हमारी अर्थ डे बाय डे कैसे इसकी कंडीशन ख़राब हो रही है बैड कंडीशन हो रही है इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है जिसके कारण क्या है कि एयर बहुत गंदी हो रही है पानी जो हम पीते हैं बहुत ही गंदा हो रहा है क्योंकि इतनी इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो वाटर में एयर में जा रहा है और जो हमारे हेल्थ को खराब कर रहा है हार्म कर रहा है ओके सो so, हमें कुछ चीज़ों की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए जो कि हमारी अर्थ को सेव करने में हमारी हेल्प करें एंड वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग दो रूल्स ओके सो लेट्स सी वट शुड वी डू एज चिल्ड्रन वॉट वी कैन डू रीसाइक्लिंग इज वन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग अर्थ एंड व्हाट इज रीसाइक्लिंग रीसाइक्लिंग क्या होती है रीसाइक्लिंग एक एक प्रोसेस है हमारी अर्थ को सेव करने का प्रोटेक्ट करने का नी लेट अस लेट सी व्हाट इज़ रीसाइक्लिंग रीसाइक्लिंग होता क्या है रीसाइक्लिंग मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ यूज मटीरियल्स इन न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ यूजफुल मटीरियल जो हमारा यूज मटेरियल हो चुका होता है जो गार्बेज बन जाता है उसको दोबारा से प्रोसेसिंग करके एक नए मटेरियल में तैयार करना दैट इज़ रीसाइक्लिंग यू मस्ट हैव सीन कि जब हमारा ये कबाड़ी वाला आता है ठीक है तो हम उनको पुराना सामान देते हैं वो शुड नेवर थ्रू द थ्रू द ओल्ड थिंग्स और जो यूजेबल चीज़ें होती है प्लास्टिक आयरन वगैरह की हमें डस्टबिन में, में नहीं फेंकनी चाहिए वी शुड गिव ऑल दीज थिंग्स टू कबाड़ी वाला ओके सो उसको हमने देनी है और वो जाके रिसाइकिलिंग जहाँ पे भी रिसाइकिलिंग आगे आगे देते हैं इंडस्ट्री में जाता है उनको दे देते हैं और इंडस्ट्री में जाता है और रिसाइकलिंग करके न्यू मटेरियल रेडी हो जाता है ओके सो नेक्स्ट हमें क्या क्या हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए ताकि हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें अपने अर्थ को सेव रखने में सो हमेशा क्लोथ नैपकिन का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ़ पेपर नैपकिन क्लोथ नैपकिन क्या होता है वॉश कर सकते हैं हम उसको री कर सकते हैं ठीक है मोर वो हेल्थ के लिए भी सेफ होता है और रिफिल्ड uh, हमें ड्रिंक कैन यूज़ करने चाहिए हमें बॉटल्स वगैरह में अपनी ड्रिंक डाल देनी चाहिए ताकि uh, so, हम हमें कैन जो है जो बार बार यूज़ ना करना पड़े कैन ड्रिंक की बजाय हमें बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए ओके okay? देन यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज हमें रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करनी है ये नहीं है कि डिस्पोजेबल बैटरीज यूज़ करनी है एक बार यूज़ करिए और उसको फेंक दिया ऐसी बैटरी यूज़ करिए जिसको हम दोबारा रिचार्ज कर सकें ओके एंड व्हेन वी यूज़ द पेपर टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि बोथ साइड्स ऑफ पेपर शुड बी यूजड ऐसा नहीं समाइम वॉट हैपन्स हम पेंसिल से लिखते हैं और क्या होता है कटिंग करके उसको फेंक देते हैं नो इफ़ यू आर यू आर यूजिंग पेंसिल दैन ऑलवेज कीप इरेज़र विद यू इरेजर से उसको डिलीट कर उसको रब रब कर दीजिए और दोबारा वही पेपर यूज़ करिए टेक केयर ऑफ दिस थिंग ओके देन रीयूज पैंस स्कूल बैग्स बुक्स शू शूज़ एंड ओल्ड क्लोथिंग हमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं करनी है थोड़ा सा स्कूल बैग ख़राब होगा तो ये नहीं कि फटाफट से नया ले लो नो ट्राई टू री यूज़ दोज थिंग्स अगर नहीं री यूज़ करनी है तो आप उस, उसको किसी को डो, डो, डोनेट कर दो ओके okay? देन हमेशा <coughs> हमारी जो ओल्ड बुक्स हैं वो हमें थ्रो नहीं करनी चाहिए ओके okay? वो हम किसी फ्रेंड को दे सकते हैं या लाइब्रेरी में डोनेट कर सकते हैं देन रीयूज थिंग्स दैट आर स्टिल इन गुड शेप कैन सेव आर इन्वायरमेंट वेरी इजीली ओके जो रीयूजेबल थिंग्स होती हैं जो गुड शेप में हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत क्लीन रखने में हमारी हेल्प करती हैं बिकॉज जितना हम चीज़ों को री करेंगे यूज करेंगे फेंकेंगे नहीं जितना गार्बेज कम होगा हमारी अर्थ उतनी ही क्लीन होगी ओके देन इट इज़ रिटर्न फोर आर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव अर्थ फोर आवर्स का रूल क्या है फोर आवर्स क्या है रेफ्यूज रिड्यूज रीयूज रीसाइकिल ओके रेफ्यूज मतलब वी शुड रेफ्यूज टू द न्यू थिंग्स इफ वी आर कम्फर्टेबल विद द ओल्ड थिंग्स जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो हमें नहीं लेनी है हमें अपनी वेस्टेज को बढ़ाना नहीं है गारबेज को बढ़ाना नहीं है घर पे, ओके रिड्यूज़ कर दीजिए जिस चीज़ का यूज़ ज़्यादा नहीं है उसको रिड्यूज़ कर दीजिए गारबेज कम से कम निकले घर पर ऐसे ऐसे हमें चीज़ों को यूज़ करना चाहिए रीयूज़ हमें चीज़ों को रीयूज़ भी करना जैसे ओल्ड क्लोथ्स हैं जैसे बच्चों के क्लोथ्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं तो किसी को डोनेट करते हैं दैट रिसकिल एज आई हैव टोल्ड यू रिसाइकिल पुरानी चीज़ों को कबाडी वाला को देखे वो रिसाइकल रिसाइकिलेबल इंडस्ट्रीज में ले जाता है जहाँ पर रिसाइकलिंग होती है वहाँ पर न्यू चीजें तैयार हो जाती हैं सो ऑल दीज थिंग ऑल दीज आर द स्टेप्स टू सेव आर अर्थ नाउ इन ट्रीविया ट्रीविया में बताया गया रिसाइकलिंग वन टन ऑफ पेपर सेवस द सेवनटीन ट्रीज एक uh, जो वंस वन टन ऑफ पेपर है उसकी अगर रिसाइकलिंग करें ओके okay, तो उससे सेवन ट्रीज़ बच सकते हैं मीन्स दीज ट्रीज कैन अब्जॉर्ब अ टोटल ऑफ टू फिफ्टी पाउंडस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द एयर ओके ये और ये सेवनटीन जो ट्रीज़ हैं ये टू फिफ्टी पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेते हैं यू नो ट्रीज जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमारे एटमोसफेयर से और उसको ऑक्सीजन देते हैं यानी कि हमें फ्रेश एयर देते हैं ठीक है सो इट्स वेरी कम्फर्टे इट्स वेरी गुड टू यूज़ द पेपर वाइजली एंड नेवर क्रश द पेपर वैन इट इज वेस्टेड और यू वॉन्ट टू थ्रो द पेपर नेवर थ्रो इन द डस्टबिन ठीक है नेवर क्रैश इट ओके टेक केयर ऑफ दिस थिंग थैंक यू